हमने कहा हो गया, ये क्या है कर क्या प्रॉब्लम कर अपने पिता की याद अपने बाबा को याद करते हुए अमित कुमार जी ने न जाने कितनी कितनी मीठी मीठी बातें हमसे की और उनसे बातचीत कर रहे थे। नमस्कार, इस रिकॉर्डिंग को हमने इसको तो बहुत संभाल के आपके लिए रखा हुआ है। सभी बात में आपको सुनाएंगे, लेकिन उस वक्त इस बातचीत का बहुत इधर दिखवाइए सर। अच्छा अभी मैचिंग मिला रही हूँ। नहीं है, नहीं बना रहे। वाह, उसकी आंखें भी देखो कितनी अच्छी लग रही है। ज्यादा नहीं करो, ज्यादा हो रहा, लेकिन हल्का पूछो, नहीं ज्यादा नहीं करो, नहीं 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 इतना नहीं, हल्का करो, उस वक्त अगर हम करते कुछ बाबा जब जिंदा थे तभी भी
साथ में वो गाड़ी रहती थी, लेकिन वो गाड़ी तो एक हिस्ट्री गाड़ी थी। वो पिताजी से पहले मेरे पिताजी वहाँ से लेके आते थे, दादाओं ने अशोक कुमार जी बचपन में वो गाड़ी से खंडवा टू बॉम्बे किसी का ये नहीं था। शुरू कैसे हुआ इसका विचार, पिताजी चाहते थे की एक फिल्म बननी चाहिए जिसमें टीम हुआ काम करे, तो वो मास ब्रदर्स अजीगर को समृद्धि और प्रतिष्ठा
सही है चल। गरीब अजीगर तो बातचीत है, हमने दिया है फल। अब सलाह शेख अनुबंध के नियम को न माने, पिता के निर्णय को प्रश्नांकित करे, वचन का अपमान करे, कुदंडता नहीं द्रोह कहलाएगा। यही नहीं विप्रवर यज्ञ का देव का निरंतर विरोधी रहा, कौन सहता अपमान इतना, मैंने भी घर से निकाल फेंका। होना यही है दंड इस दुर्बुद्धि का, आत्मा शुद्ध होगी यज्ञ में भस्म होकर। मेरा सत्य है मेरा न्याय, उसे ही करूंगा अंगीकार, शेष सब अस्वीकार अस्वीकार। विस्तृत है धरा का वक्ष, प्रतिकूलता में जो अधिक जीवन जय का दर्शन सिखलाती है। आप सभी विद्वजन प्रकृतियों की संविधा से यज्ञ करो, लगाऊंगा रहो अनुबंधों में दे रही। जीवन जग का निर्बंध आज करूंगा, चिल्लाओ मत निराधम, बंधन से तुम्हें मुक्ति कौन देगा। बांध दो यज्ञ स्थली की ओर, बांध लोगे किंतु मार नहीं सकते तुम। सुनो डॉक्टर अनूप सेठी का लिखा ये नाटक नरमेश जो आपने सुना, इसके बारे में झलक सुनाने के पहले ही बता दिया था कि इसमें विविध भारती के तमाम कलाकारों ने भाग लिया था। और अब नाटक में एक ऐसे कार्यक्रम का जिक्र किया जाए जो हमारे सभी श्रोता बहुत पसंद करते हैं। जैसे ही सुबह हुई जिससे ये कार्यक्रम खत्म होता है और ये खुलता भी कैसे रहता है, क्यों हम प्रसारित करते हैं, श्रोता समझ जाते हैं। नहीं वो नहीं खुलता, शास्त्रीय संगीत का आ रही है जी बिल्कुल, नीचे फंसा हुआ हो गई थी। विरासत को सहेजने का काम परसों से ये कार्यक्रम कर रहा है जी हाँ। और इसके अंतर्गत 2018 में बहुत ही जाने माने मूर्धन्य कलाकार हमारे स्टूडियो में पधारे थे। उदाहरण के तौर पे आपको याद दिला दें, मंजूषा पाटिल जी आई थी जो एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है, कल्पना शास्त्रीय गायिका, जिन्होंने जा रही थी, हमने देखा था आपको कहाँ किसी के साथ वॉक करने जाती है, कहीं जा रही थी अपनी कॉलेज की तरफ वॉक करने जा रही है, देखा था। ये तैयार हो रही है ना? हाँ, ये इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम खड़े गाँव से आए, खड़े बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, अभी फैसला देख फेस ना देखो फिर तो जरूर देखो। अबे हार्ड मेकअप कर रखा है क्या करना है, बड़ी मुश्किल से मगर ना सीधे बच्चे आते हैं, सीधे हमसे पूछो।